मंत्री एवं बिलासपुर सदर से विधायक श्री त्रिलोक जम्वाल जी हमारे बीच में हैं और आज पत्रकार वार्ता को त्रिलोक जी संबोधित करेंगे। मैं निवेदन करूंगा त्रिलोक जी अपना विषय आपके समक्ष रखें। सभी को नमस्कार। आप सभी का आज की इस वार्ता में स्वागत अभिनंदन। आज का हमारा इस वार्ता का मुख्य विषय है केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर पार्टी द्वारा पूरे देश भर में और हिमाचल प्रदेश में संचालित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा से संबंधित। हम सब जानते हैं कि 30 मई को परम श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार को ये स्वर्णिम 9 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इन 9 वर्षों में भारत का स्थान पूरे विश्व में कहां तक पहुंचा है हम सब जानते हैं। इन 9 वर्षों में जो देश भर में जितने पूर्व में चले हुए ऐसे हमारे विषय थे जिनका कोई हल नहीं निकल रहा था, उन सब का समाधान भी इन 9 वर्षों में हुआ है, जिसके हम सब लोग साक्षी हैं। चाहे वो कश्मीर का इशू हो, धारा 370 हो, 35A हो, ट्रिपल तलाक का विषय हो, राम मंदिर का विषय हो, ऐसे अनेकों अनेक विषय। और जहां तक डेवलपमेंट की बात है और खासकर हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश को भी इन 9 वर्षों में ऐसी अनेकों अनेक सौगातें मिली हैं जिसके लिए हिमाचल प्रदेश की जनता सदैव परम श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी की ऋणी रहेगी, धन्यवादी रहेगी। हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में बात कर रहा हूँ तो हम सब जानते हैं कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स हिमाचल की धरती पर और वो भी हमारे बिलासपुर में बनकर तैयार हो गया है, चल पड़ा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंस IITs मेडिकल कॉलेज PGI सैटेलाइट सेंटर्स बल्क ड्रग फार्मा ऐसी अनेकों अनेक सौगातें हमारे हिमाचल प्रदेश को इन 9 वर्षों में मिली है। जब मैं इनका जिक्र कर रहा हूं तो 4 लेन जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना हिमाचल प्रदेश में बड़ा है, चाहे वो रोड की कनेक्टिविटी हो, चाहे रेलवे की कनेक्टिविटी हो, या हमारी हवाई जो हमारी उड़ान जैसी योजनाएं हिमाचल प्रदेश में अनेकों अनेक ऐसी योजनाएं चली हिमाचल प्रदेश के लिए, पूरे भारतवर्ष के साथ साथ हिमाचल प्रदेश के लिए भी ये गौरव का क्षण है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश ने इन 9 वर्षों के उपलक्ष में पूरे देश की भांति हिमाचल प्रदेश में भी एक कार्यक्रम 1 महीना चलाने की योजना बनाई। भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया है कि कल हमारी प्रदेश की कार्य समिति की बैठक होगी और 22-23 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की हमारी सभी जिलों की बैठकें होंगी, 24 तारीख को हमारे मंडलों की बैठकें होगी, 29 मई को एक प्रदेश स्तर की बड़ी प्रेस वार्ता होगी और 30 और 31 मई को सम्माननीय प्रधानमंत्री जी 2 बड़ी रैलियां देश भर में जिनको महारैली कहा गया है देश भर में रैलियां करेंगे और उसी दिन से यह हमारे इस महान संपर्क अभियान का आगाज होगा। जो हमारी प्रदेश स्तर की टीम है उसमें 7 सदस्यीय टीम बनी है, जिला के स्तर पर हमारी 6 सदस्यों की टीम है और प्रत्येक मंडल स्तर पर हमारी 4 सदस्यीय टीम है। जब ये महासंपर्क अभियान का आगाज सम्माननीय प्रधानमंत्री जी 30 और 31 मई को करेंगे तो उसके बाद 1 जून से लेकर 22 जून तक हमारे अभियान का दूसरा चरण रहेगा। उस अभियान में हम ऊपर से लेकर नीचे तक जो हमारे कार्यक्रम रहेंगे उनकी डिटेल रूपरेखा मैं आप सब लोगों से साझा कर रहा हूं, क्योंकि दूसरे चरण में हम लोग संपर्क से समर्थन के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की चारों लोकसभा क्षेत्रों में 4 बड़ी रैलियां करेंगे।
चारों संसदीय क्षेत्रों में हमारी प्रेस वार्ता होगी। चारों संसदीय क्षेत्रों में लगभग 1000 ऐसे प्रबुद्ध लोग जो समाज में अपना स्थान रखते हैं, समाज में ओपिनियन मेकर का काम करते हैं, उनसे संपर्क करेंगे। अर्थात एक विधानसभा में लगभग 60-65 ऐसे प्रबुद्ध जनों को आइडेंटिफाई करके उनसे संपर्क करेंगे, संपर्क से समर्थन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। प्रत्येक विधानसभा स्तर पर तो हमारी प्रेस होगी होगी, लेकिन लोकसभा स्तर पर भी हमारी प्रेस वार्ता के माध्यम से हम सारे विषयों को आप सब लोगों के बीच में साझा करेंगे। वैसे ही हमारी जिला स्तर पर भी प्रेस वार्ताएं रहेंगी। समाज में जैसा मैंने कहा कि इंटेलेक्चुअल क्लास के साथ साथ जो हमारे यंग जनरेशन है, जो सोशल मीडिया में अपना स्थान रखती है, सोशल मीडिया को स्टडी करती है, सोशल मीडिया में समाज को में क्या चल रहा है, देश विदेश में क्या चल रहा है, और ऐसे इन्फ्लुएंसर जिनका कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा है, उनकी भी हम लोकसभा स्तर पर एक सम्मेलन करेंगे। और उसके साथ साथ जो हमारा प्रमुख व्यवसायी वर्ग है या समाज का और व्यापारी वर्ग के साथ साथ कोई और हमारे वर्ग हैं, चाहे प्रबुद्ध जन हैं, डॉक्टर हैं, एडवोकेट्स हैं, इन सब से संपर्क करने का प्रयास करेंगे, इनके सम्मेलन करेंगे। इसके साथ साथ जैसे मैंने कहा कि प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी के जो स्वर्णिम 9 वर्ष हैं, उनमें हिमाचल प्रदेश में जो विकास के कार्य हुए हैं, जैसे मैंने जिक्र किया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, तो हमने उसको एक संज्ञा दी है कि वो ऐसा इंस्टीट्यूशन बना है जो पूरे भारतवर्ष में, जितना मेरा व्यक्तिगत मानना है कि पूरे भारतवर्ष में सबसे अच्छा एम्स कहीं बना है तो हिमाचल प्रदेश की धरती पर बिलासपुर में बना है। तो उस एम्स को हमने कहा है कि तीर्थ स्थल से कम नहीं है, यहाँ लोगों के जीवन, लोगों को जीवन वहां मिलता है कि जो लोग टाइमली वहां पहुंच जाए, डॉक्टर उनको बचाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो ऐसे जितने डेवलपमेंट के बड़े प्रोजेक्ट जहां जहां पूरे प्रदेश भर में हैं, उनको तीर्थ स्थल की संज्ञा दी है। तो हम कोशिश करेंगे कि ऐसे समाज के लोग जो समाज में ओपिनियन मेकर का काम करते हैं, उनको उन तीर्थ स्थलों का भ्रमण कराएंगे, उनको उनके बारे में चर्चा करेंगे और वहां जो गतिविधियां हैं उनके बारे में अपने विचार साझा करेंगे। और जो हमारे बच्चे हैं, चाहे हमारे स्कूल गोइंग बच्चे हैं या कॉलेज वाले हैं, उनसे भी निवेदन करेंगे कि ऐसे जैसे जितने इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट के हिमाचल प्रदेश में हुए हैं, उनका वो भ्रमण करें, उनको हमने तीर्थ स्थल की संज्ञा दी है। उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया है कि हमारे सभी मोर्चों के सम्मेलन होंगे और साथ ही साथ प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं को, जो जब प्रदेश में हमारी सरकार थी उनके जो लाभार्थी हैं, उनसे भी हम संपर्क करेंगे, उनके सम्मेलन करेंगे। यह हमारा दूसरा फेज हमारे इस अभियान का रहेगा। तीसरा और अंतिम फेज तो हमारा होगा जो 22 जून से स्टार्ट होगा और 30 जून तक चलेगा, उसको हमने महान संपर्क अभियान का संज्ञा दी है। जैसे हम प्रदेश स्तर पर सम्मेलन करेंगे, उसके बाद पर हम जिला स्तर पर जाएंगे, जिला के बाद हम मंडल स्तर पर जाएंगे और मंडल के बाद हम ग्राम केंद्र, जो हमारी पार्टी की इकाई है, ग्राम केंद्र के माध्यम से बूथ तक जाएंगे और बूथ पर जो हमारा मटेरियल 9 वर्ष का होगा, उसको जनता को जागरूक करने का काम करेंगे और प्रत्येक घर को, हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक घर में संपर्क करने का प्रयास करेंगे। ये अभियान हमारा 22 जून से लेकर 30 जून तक चलेगा। इस अभियान के दौरान 3 महत्वपूर्ण डेटें हमारे बीच में आएंगी, उसमें 21 जून जो विश्व योग दिवस है, देखिए ये भी भारत के प्रधानमंत्री जी की ही देन है, उन्होंने इसका इनिशिएटिव लिया और पूरी दुनिया ने इसका लोहा माना, और इसलिए 21 जून को जो हमारा विश्व योग दिवस आ रहा है, उसको भी भारतीय जनता पार्टी बड़े स्तर पर मनाएगी या जो लोग मनाएंगे उनके साथ हम लोग सहयोग करेंगे। 23 जून को हमारे डॉक्टर 23 जून का कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की पुण्यतिथि है, उस दिन हमने तय किया है कि प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश का जो हमारा प्रत्येक बूथ है उस पर हम संपर्क करेंगे और उस दिन
बूथों के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे, सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगे, क्योंकि उस दिन भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में 10 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं से संपर्क करेगी। 10 लाख बूथों पर हमारे कार्यक्रम होंगे। तो मित्रों, आज के इस विषय में भारतीय जनता पार्टी, जैसा पहले भी मैंने कहा था कि हम कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ता